गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो गया है। चलिए, आज शाम 5 बजे का क्लास है, आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज हम छत्तीसगढ़ भौगोलिक संरचना के 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। ओके, जो लोग व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। आज का वीडियो मिस ना करें, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, जियोग्राफी का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सकता है। बिना देरी किए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव, रायगढ़, कवर्धा, बिलासपुर। कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? रायगढ़ आ जाएगा। चलिए देखते हैं सही है कि गलत, रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहाड़ों, पठारों के, मैदानों और नदियों के बेसिन पाटों के। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पठारों के। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूभागीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा दो शैल समूह है जिसका विस्तार सबसे अधिक है? तो चलिए बताइए, धारवाड़ और धक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट, आर्कियन और कुड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आर्कियन और कुड़प्पा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चौथा प्रश्न है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ की, लाफागढ़ की, रायगढ़ की या बदरगढ़ की? ऑप्शन क्या है? प्रश्न एक बार समझिए, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ की चोटी होगी। चलिए देखते हैं, पांचवा है। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? चलिए आप लोग जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? उत्तर प्रदेश में। चलिए यहाँ पर देखते हैं छठवां प्रश्न। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण राज्य का विस्तार क्रमशः कितना है? पूर्व से पश्चिम, यहाँ पर ऑप्शन ही देख के पता चल जाएगा। देखिए, 435 तथा 700 किलोमीटर, ठीक है? याद कराते चलूँगा मैं आप लोग को। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन कौन से रेखा गुजरती है? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन पहला कोरिया तथा कांकेर। कांकेर आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता। सरगुजा तथा बिलासपुर, ये भी नहीं है। कोरिया तथा सरगुजा, ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का बगीचा किसे कहा जाता है? पिंडरा पार्ट को। छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर जिला है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर जिला है कौन सा स्थित है? चलिए बताइए जल्दी, सुकमा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? तो कौन सा मैदान स्थित है? चलिए बताइए जल्दी, रिहंत का मैदान, कन्हर का मैदान, सरगुजा का मैदान, कोरबा का मैदान, कौन सा होगा? जल्दी बताइए, कन्हर का मैदान हो जाएगा, है ना? चलिए देखिए, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सी हो जाएगी?
चांगभखार देवघर की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवघर की पहाड़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में दनकरण के मध्य, पश्चिमी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? कौन से पहाड़ी का विस्तार है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, चांगभखार देवघर की पहाड़ियाँ या रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कौन सी है? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए और याद करते चलिए साथ ही साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश भाग, राज्य के किस जिले दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? कौन सा होगा? बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कौन सा होगा इसका? डी, नारायणपुर। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? आप ऑप्शन देख के बताइए जल्दी, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, बस्तर का पठार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर कौन सा पार्ट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा के जिले से निर्धारित करता है? चलिए बताइए जल्दी। चलिए मैं ही बताता हूँ, यहाँ पर मैन पार्ट होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? ये आप सभी को पता है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। कौन सा पार्ट है जो बॉक्साइट की राजधानी कहलाती है? चलिए जल्दी बताइए, जमीर पार्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? जसपुर पार्ट, मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट। आप सामरी पार्ट मत लगाइएगा या फिर मैन पार्ट ना लगाइए, यहाँ पर जसपुर पार्ट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में कौन सा मैदान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण निम्न में कौन सा मैदान स्थित है? बस्तर का मैदान, सरगुजा का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान। चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी, बस्तर का मैदान, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? बिलासपुर मैदान का, हसदो रायपुर मैदान का, छत्तीसगढ़ मैदान का या बस्तर का मैदान का? चलिए बताइए, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ मैदान का। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,45,361 वर्ग किलोमीटर या 1,25,365 वर्ग किलोमीटर या 1,35,191 वर्ग किलोमीटर या 1,37,161 वर्ग किलोमीटर? छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ओके, इसका आंसर कौन सा होगा आप कमेंट में बताइए। ऐसी डेली क्विज कराऊंगा आप लोग के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा डेली, शाम पाँच बजे लाइव क्लास चलती है, ज्वाइन कर लीजिएगा डेली शाम 5 बजे।
छत्तीसगढ़ व्यापम, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, जो भी तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए फ़ायदे हो सकता है आप लोग के लिए। डेली क्लास अटेंड करते रहिए, शाम 5 बजे स्टार्ट होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है।